आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशंस के बारे में। लास्ट क्लासेस में हमने इफ फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था और आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन की, कैसे डेट को या टाइम को हम आपस में कैलकुलेट करेंगे। राइट, सबसे पहले जानिए कि हम डेट को कैसे लिखेंगे। एक्सेल के अंदर में डेट लिखने का क्या फॉर्मेट है और उसके तरीकों के बारे में सीखिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं मंथ, जैसे कि आज 10वां महीना है, 9 तारीख। अगर डेट करेंट ईयर का है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, 10 एंटर मारेंगे तो ईयर एक्सेप्ट कर लेगा। अगर कोई प्रीवियस या फ्यूचर ईयर का है तो आपको डालना पड़ेगा। एंटर को प्रेस कीजिए और यहां देखिए आपके सामने डेट डल गई। लेकिन क्या है कि मेरा सिस्टम जो है MMDDYY, मतलब मंथ डेट एंड ईयर है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आपके पीसी पे जाएगा, अगर आपका पीसी मंथ डेट ईयर हुआ तो ठीक दिखेगा, लेकिन अगर आपका पीसी हुआ डेट मंथ ईयर तो आपके यहाँ 10 अक्टूबर नहीं, 9 सितंबर, 9 अक्टूबर नहीं 10 सितंबर दिखेगा, वो आपका डेट महीना हो जाएगा, महीना आपका डेट हो जाएगा। तो कैसे करें? तो जब भी आप किसी को डेट भेज रहे हो, आपको कंफ्यूजन है कि उसके, जैसे कि अलग अलग कंट्री का अलग अलग डेट फॉर्मेट होता है, तो आप जो है डेट फॉर्मूले के अंदर में 2018, 10 और 9 डाल दें। अभी किसी भी पीसी पे जाएगा, चाहे पीसी का कोई भी डेट फॉर्मेट क्यों ना हो, वह उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, उसी तरह से इस पर्टिकुलर डेट में से अगर डे को अलग, ईयर को अलग करना है तो ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ईयर अलग हो जाता है, अगर आप मंथ का फॉर्मूला लगाते हैं तो मंथ अलग हो जाता है, और डे का फॉर्मूला लगाते हैं तो डे अलग हो जाता है। फिर वापस हम डेट फॉर्मूला लगाकर इन तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। तो डेट मंथ ईयर का फॉर्मूला है जो कि सेपरेट करता है, और डेट का फॉर्मूला जो तीनों को ज्वाइन करने के बाद डेट को शो करता है। ये चारों फॉर्मूले समझ में आया आप लोगों को? ये मंथ वाले पे जरा कर्सर रखेंगे सर, बस सिंपल सा मंथ, हमने मंथ का फॉर्म लगाया तो मंथ हो गया, ईयर को लगाया तो ईयर हो गया, डे को लगाया तो डे, सिंपल फॉर्मूला। बीटू ने वो किया, बीटू को सेलेक्ट किया, ओके सर, ठीक है, ये वो। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि कैलकुलेशन कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें। जैसे हमारे पास डेट है, अब मुझे इसमें अगर 20 दिन ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इस डेट में प्लस 20 एंटर मारेंगे तो ये 20 डे अलग प्लस हो जाएगा। तो अगर किसी डेट में कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज ऐड करना चाहते हैं तो जस्ट आप प्लस कर दें तो ऐड हो जाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट में अगर आपको मंथ अलग करने हैं, मंथ ऐड करने हैं कि भाई आज से 3 महीने बाद कौन सी डेट होगी, तो यहाँ पे आप उसके लिए ई डेट का फॉर्मूला लगाएं, स्टार्ट डेट और हमारा मंथ। तो आपको यहाँ पे नंबर दिया, इसको आप डेट के फॉर्मेट में कर लें या फिर कंट्रोल शिफ्ट हैश कर लें तो डेट बन जाएगा। तो 9 जनवरी 2019 होगा अगर 3 महीने बाद की बात करें। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं इसमें कि अगर मुझे घटाने हैं तो जो 3 आपने प्लस में रखे हैं उसी को आप माइनस में रखे तो ये माइनस हो जाएगा। राइट, उसी तरह से पर्टिकुलर डेट में मुझे अगर 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करना है, 2 साल 4 महीने और 22 दिन ऐड करने हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं।
तो बेसिकली इसके लिए फॉर्मूला है नहीं, तो मैं ऊपर वाले फॉर्मूला मेथड को ही अपनाना पड़ेगा कि यहाँ पे हम करेंगे इक्वल डेट और डेट में हम देंगे ईयर और इसमें से हम ईयर को अलग करेंगे और उसमें हम प्लस करेंगे टू, देन हम मंथ को अलग करेंगे इसमें से और इसमें प्लस करेंगे फोर एंड डे को अलग करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे इसमें प्लस करेंगे 22। तो आप देखिए हमारा डेट आपके सामने बन के आ गया। एंटर मारिए तो आपके सामने डेट है। तो किसी पर्टिकुलर डेट में आप नंबर ऑफ डेज को कैसे ऐड करेंगे, पर्टिकुलर डेट में आप जो है मंथ को कैसे ऐड करेंगे और पर्टिकुलर डेट में आप किसी मंथ ईयर डेट तीनों एक साथ कैसे ऐड करेंगे, ये समझ में आ गया सर आपको? ओके हेलो बताइए कुछ पूछा है? हाँ सर, पूछा था कि जैसे मेरे पास कोई डेट है उसको कोई कोई साइट में अगर डेट का फॉर्मेट अपडेट करना पड़ता है सर, जैसे सेल्टेक्स का साइट में अपडेट करना पड़ता था एक्सेल शीट को, ठीक है? हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। तो सर वो जो सॉफ्टवेयर से डेट आता था उसको अपडेट करने के बाद वो डेट को एक्सेप्ट नहीं करता था, तो उसको हम इज इक्वल टू टेक्स्ट करके DDMMYY करके निकालते थे तो उसको एक्सेप्ट करता। आखिर क्यों ऐसा, क्या मतलब नहीं समझ में आया सर। डेट और टेक्स्ट के फॉर्मेट में लेता होगा इसलिए। ठीक है सर। बताऊंगा सर, देखिए अब हमने डेट में एडिशन सीखा, अब बात करते हैं डेट के अंदर में डिफरेंसेस को कि एक डेट से दूसरे डेट के बीच में कितने कितना दिन का डिफरेंस है। इसको निकालने के लिए आप लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट कर दें तो यहाँ पे डे आ जाएगा, ठीक है? या फिर एक डेज का फॉर्मूला है जो कि लेटेस्ट फॉर्मूला है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट, तो आपके नंबर ऑफ डेज यहां दिख गया। ठीक है सर। ओके सर। उसके बाद अब इसमें हम आगे बात करते होंगे, अब इसमें आगे बात करते हैं कि मुझे दो डेट के बीच में डिफरेंस चाहिए बट वर्किंग डे चाहिए, सैटरडे एंड संडे नहीं चाहिए, तो उसके लिए लगाते हैं नेटवर्क डेट। हम स्टार्ट डेट को लेते हैं और एंड डेट को लेते हैं और यहाँ पे हॉलीडे जैसे कि सैटरडे एंड संडे के अलावा 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे छुट्टी की लिस्ट है उस लिस्ट को सिलेक्ट कर ले तो उसको वो इग्नोर करके यहां शो करेगा कि स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में जो डेज है वो 202 है, ठीक है? लेकिन हमारी कंपनी सैटरडे संडे ऑफ नहीं होती है, सिर्फ संडे होती है, किसी पर्टिकुलर डेट पे होती है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हम लिखेंगे networkdays.intl, networkdays.intl हम स्टार्ट डेट को लेंगे कॉमा एंड डेट को लेंगे और फिर हम यहां चूज करेंगे अपना वीकेंड, जो हमारा वीकेंड है उस वीकेंड को शो करेंगे।
जैसे हमारा संडे है तो हमने संडे को चूज किया एंड कॉमा हम हॉलीडे अपना सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ सर जी। हेलो, ये हॉलीडेज का डेट अलग से रखना होगा या खुद ये ले ले? अलग से आप जो है ना पूरा हॉलीडे लिस्ट दे दीजिए, जरूरी नहीं कि वो डेट इन दोनों डेट के बीच में हो। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि आज हमने किसी बैंक में एक सर्विस रिक्वेस्ट हमने डाला, बैंक बोल रहा है तो मुझे 15 दिन बाद का एग्जैक्ट डेट चाहिए और बैंक सैटरडे संडे बंद होता है। वर्किंग डेज ओनली 15 डेज। हाँ, उसके लिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मुझे वर्क डे का फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल वर्क डेट सिलेक्ट किया और हमने डेट सिलेक्ट किया। तो सैटरडे संडे को अगर ना ले तो 15 दिन बाद जो है 30 अक्टूबर होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर यहां पे मुझे पता करना हो कि भाई सैटरडे संडे या किसी पर्टिकुलर डेट पे बंद है तो क्या करेंगे? तो यहां पे हम दे देंगे वर्क डेट डॉट आई एन डी एल स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज और यहां आपको वीकेंड सिलेक्ट करना होगा कि किस दिन आपकी छुट्टी होती है, बैंक की छुट्टी होती है। ठीक है, एंटर मारिए आपके सामने। सॉरी, सर 11 क्या दिया आपने? सर 11 सॉरी वो डेट अलग होता है, 10 होना चाहिए ना। हाँ 11 ए है ना हमारा, संडे ओनली जो है ना इसका कोड है। अच्छा ओके, ठीक है। क्लियर सर? लेकिन इसको हम कैसे चेक करेंगे? क्या आया है संडे छोड़ का? मुझे ए और मुझे डेट मान लीजिए ना, डेट निकाला आप मान लीजिए किसी को बुला रहे हो, कोई काम आपको मिला ऑफिस का, ठीक है, उसको आप बोलते हैं कि भाई 5 तारीख के बाद आना, चाहे 5 दिन बाद आना, तो 5 दिन बाद कौन सा डेट होगा? तो डेट आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, वो तो बता दिया, लेकिन सैटरडे संडे जो छुट्टी है बैंक यदि बोल रही है। हाँ सैटरडे होता है कि आपकी कंपनी सैटरडे संडे छुट्टी होती है या आपकी कंपनी सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती है। अगर सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो आप वर्क डे का फॉर्मूला ले, अगर सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होता है
पर्टिकुलर डेट होता है तो सैटरडे संडे डॉट यहाँ पे डॉट आईटीएल के। अब यहाँ पे क्या है कि आपको चूज करके बताना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे के अलावा हो सकता है कि आपका फ्राइडे छुट्टी हो, जैसे गल्फ में फ्राइडे होता है, हो सकता है आपका वेडनेसडे छुट्टी हो, तो जो छुट्टी है उसका सीरियल नंबर दिया हुआ है ना। जैसे अगर मुझे संडे को देना है तो संडे का सीरियल नंबर कौन सा है, 11 है, मुझे यहाँ 11 देना होगा, ठीक है ना, तो 11 को संडे मान लेगा, संडे को हम... फिर यहाँ पे होली डे आता है, मतलब क्या बोल रहे, जैसे 1 लेते हैं तो उसमें सैटरडे संडे 2 करेगा, और 11 लेते हैं तो ओनली संडे करेगा। हाँ, वो लिखा हुआ लिस्ट में सामने दिखा दिया हुआ था ना सर। पढ़ सकते हैं सर, आप तो होशियार है और अंग्रेजी पढ़ने भी आता है, क्या सर मजाक कर रहा था, दिल पर मत लीजिएगा। एंड कॉमा यहां होलीडे, होलीडे लिस्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इस लिस्ट में अपना पूरा होलीडे, पूरे साल का होलीडे डाल दीजिए, वो अपने आप रीड करके दिखा देगा। तो ये हमारा आ गया। तो सबसे पहले आपने सीखा डेट को टाइप करना और डेट को कंबाइन करना, राइट। उसके बाद डेट को, डेट में कोई पर्टिकुलर डे मंथ ईयर को ऐड करना, और फिर दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना, और किसी पर्टिकुलर डेट में डिफरेंस को ऐड करके डेट निकालना। क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। ओके।